रीड फ्लावर पावर, फ्लावर पावर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कंपेनियन स्टार्ट कर दी है एंड आज हम कंपेनियन का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो एक एक्टिविटी है, ये मैं आपको करवाऊंगी, मैं आपको समझा दूंगी, देन आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, आई एम टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए शू फ्लावर। शू फ्लावर मीन्स होता है हिबिस्कस फ्लावर। आपने देखा होगा हिबिस्कस फ्लावर इस तरह का दिखाई देता है। वन फुली व्हाट यू नीड फॉर दिस एक्टिविटी, देखो आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए किसकी ज़रूरत है। वन फुली ब्लूम शू फ्लावर, आपको इसके लिए खिला हुआ शू फ्लावर लेना है। वन नीडल लेना है और ग्लू लेना है। सो व्हाट टू डू, अब आप क्या करेंगे, देखें इन टीम्स ऑफ थ्री, थ्री की टीम्स बनाएंगे। ऑब्जर्व द फ्लावर केयरफुली, आपको फ्लावर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। एंड यू मे सी टच एंड स्मेल द फ्लावर विदाउट डैमेजिंग, आपको बिना कुछ तोड़े उसके फूल पत्तियों को, फ्लावर्स के पार्ट्स को बिना ब्रेक किए आपको उसको देखना है, आपको उसको टच करना है, आपको उसका स्मेल देखना है। पुल द फ्लावर अपार्ट केयरफुली स्टार्टिंग विद द सेपल्स एंड द पेटल्स। सो स्टूडेंट्स, देखें आप, पुल द फ्लावर पार्ट केयरफुली स्टार्टिंग विद द सेपल्स एंड द पेटल्स। तो आपको क्या करना है, आपको फ्लावर पार्ट को केयरफुली आपको सेपल्स और पेटल्स निकालना है एंड प्लेस अ सेपल एंड पेटल सेपरेटली, और पेटल्स और सेपल को क्या करना है, सेपरेट करके रखना है। एंड चूज अ स्टैमन ऑफ द फ्लावर, और आपको उस फ्लावर में जो स्टैमन है उसको चूज करना है। एंड लोकेट द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, और आपको उसमें जो स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा है फ्लावर में, स्टैमन में जो भी स्टिग्मा है आपको वो भी लोकेट करना है, रखना है। ऑब्जर्व योर टीचर हु विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू सेपरेट द ओवरी यूजिंग द नीडल। तो देखिए आपको अगर आप सामने होते तो मैं आपको करके बताती, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, इट इज़ नॉट अ टिपिकल। आपको क्या करना है, जो उसका ओवरी वाला पार्ट है उसके ओवरी वाले पार्ट को आपको, मैंने आपको पूरा जो फ्लावर का डिस्क्राइब किया था चैप्टर नंबर वन में, आपको पढ़ाया था मैंने फ्लावर के बारे में, तो उसके पार्ट्स के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको वो पहले तो वो फ्लावर के पार्ट्स को देखना है, ताकि आप क्या करो इजीली उनके फ्लावर के पार्ट्स को पहचान पाओ, और उसको देखने के बाद आप इजीली क्या कर पाओ, उसको सेपरेट कर पाओ। तो आप अपनी बुक में देखिएगा पेज नंबर 5 पे, स्टूडियो वाली बुक जो है आपकी, स्टूडियो वाली बुक में आप देखना पेज नंबर 5 पर, ओवरी और पेटल्स, एप्पल्स, स्टैमन, ये सब हैं। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था लाइक दैट, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल, ये अंदर जो था इस तरह से ओवरी था ये वाला स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ये क्या थे, ओव्यूल थे। तो स्टूडेंट्स देखें आप, आपको इसी तरह से ओवरी जो है निडल की हेल्प से सेपरेट करना है, एंड ड्रो लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन द फिगर। अब देखिए आपको इन पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है पहले, फिर आपको उसको ड्रॉ करना है। देखिए आप कहाँ ड्रॉ करेंगे, पहले आप, उससे पहले एक और एक्टिविटी है छोटी सी, वो आप देख लें। प्लीज ड्राई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एज इज इंस्ट्रक्टेड, टेक अ बुक एंड केयरफुली प्लेस अ सेपल बिटवीन टू पेजेस, मेक श्योर इट इज नॉट डैमेज इन द प्रोसेस। आपको एक बुक लेनी है, सेपल को टू पेजेस के बीच में रख देना है, और आप जब सेपल्स को टू पेजेस के बीच में रख रहे हैं तो आप देखेंगे इस पूरी प्रोसेस में सेपल्स या कोई भी पार्ट फ्लावर का क्या नहीं हो, डैमेज नहीं हो। रिपीट दिस फॉर पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, और सेम प्रोसेस आपको किसके साथ करनी है, पेटल के, स्टेमन के और कार्पल के साथ करनी है। आफ्टर दिस कीप द बुक इन ए ड्राई प्लेस फॉर अ वीक, प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन इट। अब आपको क्या करना है, उस बुक को ड्राई प्लेस पे रख देना है फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए।
प्लेस सम हेवी बुक्स ऑन इट, और आपको उस बुक के ऊपर क्या करना है, कुछ बुक्स रखनी है जो कि हेवी हो, मीन्स वो जो सैपल है वो ईजिली प्रेस हो पाए। आफ्टर ए वीक चेक इफ द पार्ट्स आर कम्प्लीटली ड्राई। कुछ हफ्ते बाद आपको क्या करना है, एक वीक के बाद चेक, आपको चेक करना है इफ द पार्ट्स आर कम्प्लीटली ड्राई, कि जो पार्ट्स है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गए, एंड इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ हो देन कीप देम फॉर अ फ्यू मोर डेज, और आप फिर उनको क्या करो, कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए आप उन्हें वापस रख दो। वंस द पार्ट्स आर ड्राई पेस्ट देम इन फिगर ए, और जब वो पार्ट्स ड्राई हो जाए तो आपको उनको यहाँ पेस्ट करना है। ये तो सैपल का है, इस तरह से आपको यहाँ पेस्ट करना है। तो देखिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लेना है ब्लूम शू फ्लावर लेना है, यानी खिला हुआ फ्लावर लेना है। उसके बाद आपको नीडल लेना है और फिर ग्लू लेना है। इसकी आपको इस पूरी एक्टिविटी में ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट आपको उस फ्लावर के, शू फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, ओवरी, उनको, स्टिग्मा, उनको अलग अलग सेपरेटली उनको क्या करना है, ब्रेक करना है, पुल करना है। उनको ऐसे पुल नहीं करना कि कोई भी पार्ट एक दूसरे पार्ट से ब्रेक होके आ जाए। और फिर उनको सेपरेटली रख देना है। सेपरेटली रख लेने के बाद आप उनको क्या करोगे, एक बुक में रखोगे, एक बुक में रखोगे, दो पेजेस के बीच में आप सेपल, पेटल्स अलग अलग रखोगे, ताकि आप मिक्सअप नहीं हो सब कुछ। और फिर उस बुक में रखने के बाद आप उस बुक को कुछ एक हफ्ते के लिए रख देंगे, एक सप्ताह के लिए रख देंगे, एक वीक के लिए रखने के बाद आप, हाँ, जब आप एक सप्ताह के लिए रखें, वन वीक के लिए आप रखें, तो आप उसके ऊपर कुछ बुक्स रखेंगे, हैवी बुक्स, ताकि वो प्रेस हो जाए। आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि वो पार्ट सूख गए। अगर ऐसा हो कि वो नहीं सूखे हों, देन कीप देम फॉर अ फ्यू मोर डेज, एंड वंस द पार्ट्स आर ड्राई पेस्ट देम इन फिगर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर हैं इससे रिलेटेड। हाउ मेनी सैपल्स डज द फ्लावर हैव, उस फ्लावर में कितने सैपल्स थे, ये आपको राइट करना है। स्टूडेंट्स, ये बुक एक्टिविटीज़ में आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये बुक एक्टिविटीज़ आपको ही करना है। मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको बार बार समझा सकती हूँ, आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको बता भी सकती हूँ, लेकिन इस ये आंसर आप तब तक फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस तरह का एक्टिविटी को करेंगे नहीं। फ्लावर आपको शू फ्लावर ही लेना है, हिबिस्कस फ्लावर ही लेना है। सैपल्स का काउंटिंग लिख देना है यहाँ, एंड हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर है, और पेटल्स कितनी थी उस फ्लावर में, आपको वो लिख देना है। आर ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सिमिलर, आपको ये देखना है कि सारे ही पार्ट्स सिमिलर थे, फ्लावर के सारे ही पार्ट्स सिमिलर थे, एंड जो आपने सैपल का सुखा के रखा था, ड्राई करने के लिए पार्ट रखा था, वो आपको यहाँ पेस्ट करना है। वो किस कैसी भी कंडीशन में हो, वो आपको यहाँ उसको पेस्ट करना है और उसको यहाँ ड्रॉ करना है। ओके, फिर है आप यहाँ पेटल पेस्ट करेंगे, पेटल का ड्रॉ यहाँ करेंगे, स्टैमन यहाँ पेस्ट करेंगे, स्टैमन का ड्रॉ यहाँ करेंगे, कार्पल पेस्ट करेंगे एंड कार्पल का ड्रॉ यहाँ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।